आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के डगवार गांव के एक बगीचे में 19 वर्षीय युवक की पेड़ में लटकती हुई लाश देखी गई है। घटना की सूचना मिलने पर बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसे PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। चंदमणि साहू, विष्णु साहू, अब इसका कुछ पता नहीं है सर। 10:30 बजे हम पीछे खाना खा सो गए और ये पता नहीं कितनी देर चला आया है। कैसे पता चला आपको? दूसरे गांव के बताए, बगीचा में। हाँ, कोई कारण नहीं मालूम, कोई कारण नहीं मालूम, कोई कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय मृतक विष्णु साहू बीती रात 11 बजे के करीब घर से खाना खाकर निकला था। उसके बाद वह रात को वापस नहीं आया। सुबह गांव के ही एक बगीचे में युवक की लाश पेड़ पर लटकती हुई पाई गई। हालांकि परिजनों के द्वारा अभी किसी भी प्रकार की शंका जाहिर नहीं की गई, लेकिन युवक ने फांसी क्यों लगाई इस बात को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। घटना की जानकारी मिलने पर CSP प्रतिभा शर्मा ने थाने पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की और मामले की जांच की जा रही है। ये ग्राम डकवार की घटना है जिसमें एक लड़के ने, जो 15-16 साल का बताया जा रहा है, नाबालिग है, उसने एक आम के पेड़ से अपनी शर्ट से फांसी लगा दी है। कहाँ की घटना है? ये घटना रात की है लगभग, और डकवार ग्राम डकवार की है जो थाना बिछिया में आता है। इसके अलावा लड़के का नाम विष्णु है और उसके पिता का नाम चिंतामणि है। अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी बॉडी को अस्पताल में भिजवा दिया गया है पंचनामा बना के, आगे कार्रवाई जारी है।